श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद। श्री चंद्रमा की उपस्थिति में आज इस इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना। सभी कतारबद्ध होके सभी कार्यकर्ता लोग चीफ गेस्ट का स्वागत करते हुए और उसका इंतजार करते हुए चीफ गेस्ट जस्ट कुछ सेकंड में ही पहुंचने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में, आपको चीफ गेस्ट आने का हम तो उम्मीद करेंगे और विश्वास होगा कि इसको और विस्तार दिया जाएगा। इसके टाइमिंग में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको आगे चल करके हम लोग जनता के माध्यम से इस बात को रखेंगे और टाइमिंग का और सुधार कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज ये शुभारंभ होने जा रहा है और इसके लिए सभी गिरिडीह की जनता बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद देती है। अब देख रहे थे और अब अन्नपूर्णा देवी की पहुंच चुके हैं, अब जो मेन चीफ गेस्ट हैं जो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अमित यादव जी, हम माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय से अनुरोध करते हैं कि सर हमारे गणमान्य अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प प्रदान कर उनका अभिवादन करें। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारे बीच हैं, माननीय सांसद गिरिडीह।
हम भी लगातार लोकसभा में इस बात को रखे और बोर्ड के बैठक में भी रखे, तो उसमें यह निर्णय हुआ कि भाई सर्वे सबसे पहले तो उसका सर्वे होगा। सर्वे के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो मैं रेल मंत्रालय से बात करके 50 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार का जो अंश होता है वो हम लोग दिलवा चुके हैं या मिल चुका है, और हम लोग राज्य सरकार से भी हम लोग आग्रह किए हैं। माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी भी है, मैं इनको भी अवगत करा हूँ और इनसे भी आग्रह करता हूँ कि जो राज्य सरकार का अंश है वह 50 करोड़ हम लोगों को मिल जाए, रेलवे को मिल जाए, ताकि उसको हम लोग सर्वे हो सके। सर्वे होगा किधर से जाएगा, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है, नया रेल लाइन बिछाने में कई वर्ष लगते हैं, तो सर्वे का काम शुरू हो जाए उसके बाद फिर रेल काम होगा। इसलिए हम राज्य सरकार से के प्रतिनिधि हमारे हैं, इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप राज्य सरकार से बात करके, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके वह 50 करोड़ जो राज्य सरकार को अंश देना वह दिलवा दे, ताकि वह सर्वे का काम शुरू हो सके। और मैं पुनः क्योंकि सभी लोगों का सुझाव भैया है, माननीय विधायक जी लोगों का भी सुझाव है, ट्रेन सुबह यहाँ से चले, ट्रेन का रख रखाव कैसे हो, किस तरह प्रारंभ हो, यह हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप लोगों के लिए सौगात बहुत जल्द मिलेगा। और मैं पुनः फिर से रेल मंत्रालय को और तमाम लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको जोहार। धन्यवाद महोदय। अब वह पल है जब हम भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री अन्नपूर्णा देवी महोदया को हम उनसे अनुरोध करते हैं कि क्षेत्र की जनता से संवाद करें। माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से रांची तक के लिए इंटरसिटी ट्रेन के शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर और इस ऐतिहासिक क्षण में, ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं, आपको पता होगा, हम बाद में बताते हैं ऐतिहासिक के बारे में, कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, जमुआ के लोकप्रिय विधायक सम्मानित केदार हाजरा जी, गांडे के लोकप्रिय विधायक सम्मानित विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, उपस्थित गिरिडीह के निवर्तमान विधायक सम्मानित निर्भय शाहबादी जी, आईजी साहब लक्ष्मण सिंह जी, प्रणव वर्मा जी, डीआरएम धनबाद कमल किशोर जी, उनके साथ आए हुए सभी रेलवे विभाग के अधिकारीगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गिरिडीह के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न दल के सभी सम्मानित सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष महादेव दुबे जी और सभी उपस्थित विशिष्टजन, उपस्थित सभी दूर दूर से आए हुए सम्मानित माताओं बहनों भाइयों और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी का आज इस रेलवे नए न्यू गिरिडीह स्टेशन में रेलवे इंटरसिटी के शुभारंभ के अवसर पर सभी का अभिनंदन, सभी का आभार, सभी का जोहार। आज ये आप सबको पता है कि हम कुछ बोले उसके पहले स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं कि उन्होंने इस रेल लाइन का शुभारंभ उनके हाथों हुआ था लगभग 1996-97 के समय, और
उसके पीछे की बात अगर हम करें तो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी को। ये उनकी ही सोच थी कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को भी मुख्यालय से जोड़े और आज दोनों का सपना साकार हुआ है, इसलिए विशेष रूप से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है लगातार सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, राज्य देश के अंदर कोई भी राज्य हो, जिला हो, जब वहां की समस्या उन तक पहुंचती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच होती है कि उस समस्या का समाधान हो, निदान हो। साथ ही रेल मंत्री जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि रेल मंत्री जी के समक्ष जो आप लोगों की वर्षों की मांग थी माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष इस बात को रखा गया और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। ये स्वीकृति लगभग 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, पहले ही हो चुकी थी। बीच में जब देवतुल्य जनता को कि एक तो हम खुद से ही शुरू करेंगे कि ये ऐतिहासिक रहा कि आजादी के बाद पहली बार एक महिला को अपने सांसद बनाया कोडरमा लोकसभा से, दूसरा ऐतिहासिक रहा कि जो हमारी जानकारी में है कि भारत सरकार में शायद कोडरमा लोकसभा को पहली बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, और तीसरा सबसे बड़ा है जिसको हम बोलना चाह रहे हैं कि 1871 में गिरिडीह रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी, गिरिडीह रेलवे स्टेशन की। तब से गिरिडीह से कोई ट्रेन नहीं था, यानी 152 साल के बाद पहली बार गिरिडीह वासियों के लिए यह सौभाग्य रहा कि गिरिडीह से रेल का ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। यह ऐतिहासिक है और 150 वर्षों के बाद तो ये हमें लगा कि ये सबसे ज्यादा, क्योंकि उतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि गिरिडीह से कोई ट्रेन खुले, लेकिन ये पहली बार हुआ। और इस क्षण का, इस भागी बनने का हम सबको आदरणीय लगातार भारत सरकार के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से निरंतर रेलवे के क्षेत्र में। साथियों, अभी इस ट्रेन के बारे में ये चर्चा हो रही थी कि गिरिडीह न्यू गिरिडीह से न करके ये मतलब दोपहर में नहीं बल्कि सुबह खुलना चाहिए, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये हम सबको भी पता था जब इसका इसकी चर्चा हुई। तो चूंकि साफ सफाई के लिए आपके पास अभी इस न्यू गिरिडीह रेलवे कहीं ऑफिस के काम के लिए जाए या फिर डॉक्टर इलाज के लिए जाए, कहीं भी जाए, उनको हर तरह की सुविधा मिल सके, उन्हें हर तरह की व्यवस्था मिल सके। चूंकि रांची के लिए पहला ट्रेन है, गिरिडीह से पहली बार रांची को जोड़ने वाली ये पहला ट्रेन रांची राजधानी बनी, तो निश्चित रूप से सबके लिए गर्व का विषय है और खास करके गिरिडीह वासियों के लिए। गिरिडीह इतना बड़ा जिला है लेकिन आज तक अभी ध्यान किसी का नहीं गया था, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया और आकांक्षी जिला के साथ साथ, चूंकि हम जानते हैं गिरिडीह आकांक्षी जिला है, तो आकांक्षी जिला इसीलिए कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना, तो आकांक्षी जिला के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपकी अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करने का पूरा ध्यान दिया है और उस पर निरंतर आपके प्रतिनिधि होने के नाते हम प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सभी सम्मानित विधायकगण भी समय समय पर सुझाव देते हैं इस क्षेत्र के अंदर भारत सरकार के स्तर से क्या काम होना है, तो उस पर हम निरंतर ये प्रयास करते हैं, काम करते हैं। हम आज आप सबसे निश्चित रूप से बहुत ही सुखद क्षण है और इस सुखद क्षण में हम ये कहना भी चाहेंगे कि जब क्योंकि कई स्टेशन के बारे में, ठहराव के बारे में ये हम सबको पता है कि अपेक्षाएं लोगों की बहुत है, इच्छाएं अनंत है,
और जब सुविधाएं बढ़ती है तो हर किसी को लगता है कि यहाँ पे अगर न्यू गिरिडीह में हुआ तो बगल के स्टेशन में भी ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। तो इस तरह की एक बातें होती है। उसके बाद सलैया के बारे में सुबह ही कुछ साथियों ने एक मेमोरेंडम हमें दिया कि सलैया स्टेशन में अगर इसका ठहराव होगा तो गिरिडीह शहर के लोगों के लिए सुविधा होगी। तो हम आपसे इतना कहेंगे कि आप मोदी है तो मुमकिन है, यह आप सबको पता है, इसलिए हर किसी को जो अपेक्षा है निश्चित रूप से वो पूरा होगा, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे समय के अनुसार इस पर भी प्रयास करेंगे। आज देखें तो कोडरमा लोकसभा के अंदर और खास करके अगर हम देखें झारखंड में, तो अभी कुछ दिन पहले अमृत भारत स्टेशन का आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से उसका शुभारम्भ किया गया और इसके तहत कई चाहे कोडरमा विधान लोकसभा के अंदर सरिया जो हजारीबाग रोड स्टेशन है वहां भी अमृत भारत स्टेशन का, गिरिडीह रेलवे स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन के तहत हर तरह की सुविधाओं से युक्त बनाने का शिलान्यास हुआ है, कोडरमा में भी हुआ है। तो इस तरह से गिरिडीह पूरे झारखंड के अंदर लगभग 45 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत जोड़ा गया है और हर तरह की सुख सुविधा से उसको लैस करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। कई रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन के ठहराव की बात थी, कई ट्रेन का ठहराव भी हुआ अभी कुछ दिन पहले, सरिया में भी हुआ, कोडरमा हुआ, चिचाकी में हुआ, गजंडी में हुआ। जो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, अभी चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने भी जो गिरिडीह लोकसभा के माननीय सांसद है, गिरिडीह लोकसभा के अंदर कई स्टेशन पे ठहरा हुआ उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की, आपको जानकारी दी। तो ये प्रयास है कि प्रतिनिधि का जो दायित्व है समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों के सुझाव मिल जाते हैं, उस सुझाव के माध्यम से भी और जब गांव में जाने के बाद मिलना होता है तो मिलकर भी ये प्रयास होता है कि जो समस्या है उसका निदान और उसका समस्या का समाधान कर सके, इसके लिए ये प्रयास भी करते हैं। अभी कई चूंकि हमें लगता है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र बहुत सारे रेलवे हॉल्ट और स्टेशन है, रेलवे लाइन के किनारे किनारे है, उसमें बरकट्ठा विधानसभा का मैक्सिमम इलाका भी पड़ता है, तो कई स्टेशन पे एफओबी का निर्माण भी काम आगे बढ़ चुका है, अब वहां पर भी उसका जल्दी शुभारंभ भी होगा। तो इसी तरह से यह लगातार जो रेलवे से संबंधित है ये हमारा प्रयास है कि इसको हम करें, आपका जो सुझाव आता है उसके आधार पर हम काम निरंतर इसको कर भी रहे हैं और इसके साथ बहुत सारे रेलवे के माध्यम से जो काम चल रहा है प्लेटफॉर्म का भी सौंदर्यीकरण का, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे रेलवे की यात्रियों की सुविधा नहीं है उस प्लेटफॉर्म में यात्रियों की सुविधा उपलब्ध कराना, उसको अत्याधुनिक सुविधा से लैस करना, तो ये व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से की जा रही है और आने वाले समय में गिरिडीह से हावड़ा और पटना के लिए पिछले दिनों जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी साथियों के द्वारा उन्होंने कहा था तो एक माननीय रेल मंत्री जी से उनका समय भी वहाँ फिक्स कराए थे, मिलके वो सारी बातों को उन्होंने रखा भी है और हमें लगता है कि अभी जब फिर से अभी जाएंगे दिल्ली निश्चित रूप से उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जल्द जो आपकी अपेक्षा है वो भी हमें लगता है कि जल्दी पूरा होगा, ये हम प्रयास करेंगे इसके बारे में क्योंकि यहाँ के लोगों की ये अपेक्षा है और आवश्यकता भी है। तो हम बहुत ज्यादा और कुछ न कहते हुए क्योंकि समय भी बहुत हो गया है हम आप सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं इस ऐतिहासिक क्षण का, इस ऐतिहासिक पल का, आप सब लोग सहभागी बने, हमारे सभी मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को भी हम ये आभार व्यक्त करते हैं कि आपके माध्यम से दूर दूर तक ये बात हम लोगों को जानने को सुनने को भी मिलेगा देखने को और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि जो आज आप सभी जैसा जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी दो दिन पहले G20 समिट जो जिसका समापन हुआ ऐतिहासिक रहा और पूरे विश्व के लगभग 20-25 देशों से ज्यादा उनके प्रधान आए और जो भारत की मेजबानी रही है काफी उन्होंने तारीफ किया कि एक सशक्त और मजबूत भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस G20 सम्मेलन में इसको सफल बनाया है, तो इसके लिए भी आप सबकी ओर से हम बधाई देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं।
और आप सबको फिर से शुभकामना देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे धनबाद के डीआरएम है, हम डीआरएम साहब से भी ये कहेंगे कि जो कुछ छोटी मोटी अगर यहाँ पे समस्याएं हैं निश्चित रूप से उस और आप ध्यान देकर, क्योंकि यात्री अब यहाँ से यात्रियों को पूरी सुविधा मिल सके, ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो छोटी छोटी समस्या होगी उसका भी समाधान करने का प्रयास करें। और इसके साथ जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है जो आपको बताया, तो बाद में इसका हम लोग प्रयास करेंगे कि फिर सुबह का समय यहाँ से सुबह परिचालन हो, इसके लिए भी प्रयास होगा, जितना जल्द हो सकेगा उसको भी हम करेंगे। इसी बात के साथ फिर से धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। प्लेटफॉर्म संख्या एक जहाँ गाड़ी खड़ी है न्यू ब्रिडी से रांची के लिए, बस इंतजार है हरी झंडी दिखाए जाने का। तो हम माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एवं अन्य गण्यमान्य अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया जाए। आप समस्त ब्रिडी वासियों से अनुरोध जमुआ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री केदार हाजरा जी और रेडी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री सुधीर कुमार सोनू जी, इनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज इस इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। जैसा कि हमें सूचना मिली है कि माननीय मंत्री महोदया कुछ ही पलों के बाद हमारे बीच होंगी और वह पल हम घटित होते हुए देखेंगे जब न्यू ग्रीडी रेलवे स्टेशन से रांची इंटरसिटी को हरी झंडी दिखाकर और इस कोडरमा लोकसभा सांसद मंत्री शिक्षा राज्य का देन है और हमारे आदरणीय कोडरमा के बाद गिरिडीह पर दौड़ा है। एक लोग कहता था गिरिडीह कहाँ है, गिरिडीह का परिचय लोग अब गिरिडीह लोग दुनिया जान रहा है और ये जब कोडरमा है हजारीबाग रांची राजधानी और यहाँ पे डायरेक्ट रांची ट्रेन चल रहा है, ये वंदे भारत पब्लिक के लिए यहाँ के लोगों के लिए बहुत यादगार पल। आज देख रहे हैं कि पूरे शासन पर नजर आ रही है इस बात है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अन्नपूर्णा जी बाबा जी का नजर आ रहा है, घटाएं होंगी वह देखने लायक होंगी और इसको ध्यान में रखते हुए न्यू ग्रेड का चयन किया गया है। ट्रेन पूरी तरह सज भर के तैयार है, वही आपको बता दें कि न्यू ग्रीडी रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद जमुआ राजमुआ और इसके अलावा जो बच्चा थाना है और रमा हॉल्ट है और सारी क्षेत्र मुख्य रांची में पहुंचेगी, जो कहीं ना कहीं जो ग्रीडी के लोग हैं खुश हैं करते हुए ट्रेन को दिखाते हुए आपको मरीज को वापस ले जाएगा और आपको जाने में दिक्कत।
डायरेक्टर जनरल से यहाँ के लोग हरी अभी तो सवाल जो भी बात करेंगे बोला जा रहा है जो 6 बजे बातचीत है 6 बजे जो गिरिडीह में होगा ज्यादा बेटर बिरादर ने हमारे शिक्षा राज्य मंत्री अंकोला जी से बात हुई है उन्होंने बोला कि अभी तो उद्घाटन है उद्घाटन के बाद हम लोग समझते आप लोग को ठीक करवाएंगे देखिए अगर हर जगह रोका जाए तो फिर आप रांची का 45 मिनट जो समय मर रहा है तो रांची डायरेक्ट जाने के लिए हर जगह रोकना ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ से प्रोग्राम चल रहा है अन्नपूर्णा देवी और बहुत सारे आने वाले हैं Thank you.